फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल ही एंड शी किचन में। और आज हम बना रहे हैं तिलकुटा। जी हाँ, व्रत के लिए ये रेसिपी सबके घरों में बनती ही है तिलकुटा। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही नए तरीके से, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और काफी सॉफ्ट भी होती है और बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगता इसको बनाने में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी रेसिपी, तिलकुटा बर्फी। तो तिलकुटा बनाने के लिए हमें चाहिए सिर्फ दो इंग्रेडिएंट। तो पहले इंग्रेडिएंट है तिल और दूसरा है गुड़। तो चलिए सबसे पहले हम तिल को रोस्ट कर लेंगे और इनकी जो क्वांटिटी है वो हमें इक्वल लेनी है, यानी जितना आपको तिल लेना है उतना ही गुड़। तो गुड़ को मैंने थोड़ा क्रश कर लिया है और अब सबसे पहले हम तिल को थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। तो ये मैंने तिल डाल दिया है एक कढ़ाई में और अब इसको हम 5 से 7 मिनट तक रोस्ट करेंगे। तो तिल जो है वो अच्छे से रोस्ट हो गए हैं और इसमें से आवाजें आने लगी हैं तिल चटकने की। तो बस इतना ही हमें रोस्ट करना है। गैस को हम कर देंगे बंद और गैस बंद करने के बाद भी हमें 1 से 2 मिनट तक इसको नीचे से स्टर करते रहना है, वरना जो तिल है वो तले से चिपक सकते हैं। और अब इनको हम एक दूसरे बर्तन में निकाल देंगे और अब इनको हम थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे और गुड़ को हम मेल्ट कर लेते हैं तब तक। तो सबसे पहले कढ़ाई में डालेंगे बहुत थोड़ा सा पानी, लगभग 1 से 2 छोटी चम्मच, और अब इसमें हम डाल देंगे गुड़। तो पानी डालने से जो गुड़ है वो थोड़ा जल्दी मेल्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम इसको थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। आँच को हमें धीमे ही रखना है। तो ये देखिए गुड़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो गया है और इसकी हमें बनानी है बिल्कुल टाइट वाली चाशनी। तो उसको चेक करने के लिए हमें एक कटोरी में थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा। और वैसे मैं आपको पहले भी पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि हम इस गुड़ की चाशनी को कैसे चेक करते हैं, तो वैसे आपको पता ही होगा। तो अगर इसकी जो चाशनी है स्ट्रेच हो, यानी कि थोड़ी सी खिंचे, तो इसका मतलब अभी रेडी नहीं हुई है। तो बिल्कुल जब क्रिस्टल बन जाए और बिल्कुल कट की आवाज से टूटने लगे, तो उस कंसिस्टेंसी तक हमें ये चाशनी बनानी है। तो उसकी पहचान ये कि थोड़ा सा जो गुड़ का कलर है वो थोड़ा सा चेंज होगा। तो फिलहाल अभी ये काफी लाइट कलर है, तो थोड़ा सा डार्क कलर होगा तब हम इसको चेक करेंगे। तो ये देखिए हमारी जो चाशनी है काफी फ्लफी हो गई है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम इसको एक बार चेक कर लेंगे। गैस को आप बिल्कुल लो पे रखें, अगर आप चाहें तो बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें चेक करने में कुछ सेकंड्स लगेंगे, तो इतनी देर में कुछ ज्यादा जल वल ना जाए चाशनी। तो अब देखिए इसको हम चेक करेंगे और अब आप देख सकते हैं कि ये जो चाशनी है बिल्कुल पानी में जाते ही जम गई है और बिल्कुल कट की आवाज इसमें आ रही है, यानी कि एकदम से टूट रही है। तो ऐसी ही चाशनी हमें चाहिए। और अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा मीठा सोडा, लगभग 1 चुटकी। तो ये गया मीठा सोडा और इसको करेंगे मिक्स। और अब इसमें हम डाल देंगे तिल जो कि हमने भून कर रखे हैं। तो आप सोचेंगे कि हम बना रहे हैं तिलकुटा और इसमें हम डालेंगे साबुत तिल। जी हाँ, हम तिलकुटा ही बना रहे हैं, लेकिन फिलहाल हम इसमें अभी डालेंगे साबुत तिल। और ये गए तिल और अब इसको फटाफट से कर लेंगे मिक्स। गैस को मैंने बंद कर दिया है और अब इसको मिक्स करने के बाद हमें इनको जमाना है, इसको ठंडा करना है। अच्छे से तिलों को मिक्स कर लें गुड़ में। और अब इस बैटर को हम रख देंगे एक पॉलीथीन पर या कोई भी बटर पेपर अगर आपके पास है तो आप उस पर भी रख सकते हैं। तो ये सारा बैटर हम इसमें निकाल देंगे, थोड़ा सा गर्म है तो ध्यान से करें आप। और अब इसको हम थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से बेल लेंगे, तो हमें बिल्कुल पतला बेलना है इसको। आप बेलन से बेल सकते हैं, हाथ से भी आप इसको फैला सकते हैं वैसे, लेकिन अगर आप बेलन से करेंगे तो काफी अच्छे से पतला हो जाएगा ये। तो जितना पतला हो उतना आप इसको बेल लें। तो ये देखिए मैंने इसको बिल्कुल पतला बेल लिया है और अब इसको हम ठंडा होने देंगे 10 से 15 मिनट के लिए।
पर हम इस तरह से कट के निशान भी लगा देंगे। तो कट के निशान लगाने से क्या होगा कि ये जल्दी से इजीली टूट जाएगी, यानी कि इसके टुकड़े हमें करने हैं जल्दी से टुकड़े हो जाएंगे। तो आप दोनों तरफ से कट लगा दें, तो कट ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगाएं, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए ठंडा हो गया है, तो बस आप इतना ही इसमें लग पा रहे हैं। तो इसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो ये लीजिए 10 से 12 मिनट हो गए हैं और अब हमारी जो पपड़ियां हैं बिल्कुल सूख चुकी है और अब इनके हम कर लेंगे छोटे छोटे पीसेस। ये फटाफट से टूट रही है, देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है। तो इस पूरी पपड़ी के हमें पीसेस करने हैं। तो वैसे तो हमने इसमें कट के निशान लगा दिए थे, लेकिन उससे भी ज्यादा हमें इसको और ज्यादा बारीक करना है। तो आप जैसे भी चाहें इनको इस तरह से टुकड़ों में तोड़ लें। तो ये लीजिए हमने पूरी जो पपड़ी थी हमारी उसके बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं और अब इसको हम डालेंगे एक मिक्सर ग्राइंडर में। तो ये मैं ले रही हूँ थोड़े से टुकड़े, तो आप थोड़े थोड़े करके ही इनको डालें और अब इसको हम बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेंगे। तो ये देखिए हमने इसको बिल्कुल बारीक पीस लिया है। तो आप पीसते वक्त ये ध्यान रखिए कि आपको कॉन्टिन्यूसली मिक्सी नहीं चलानी है, तो आपको पल्स मोड पर थोड़ा रुक रुक कर चलानी है और कुछ जो मोटे पार्टिकल्स हो गए तो उनको आप वापस निकाल लें। तो इस तरह से हम पूरा जो है मिक्सचर उसको हम पीस लेंगे। तो ये लीजिए हमने सारी जो पपड़ी थी हमारी उसको पीस लिया है, बहुत ही अच्छा फाइन पाउडर बनके रेडी हो गया है। और अब इसमें हम डालेंगे एक चम्मच देसी घी। तो देसी घी डालने से इसका स्वाद और अच्छा हो जाएगा, तो मैं थोड़ा सा और डाल देती हूँ। घी आप पिघला हुआ डालें और अब इसको हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे ताकि जो घी है वो पूरे मिक्सचर में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये लीजिए हमने इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया घी और अब इसको हम जमा देंगे एक ट्रे में। तो ये मैंने ली है एक ट्रे और उसमें मैंने लगा दिया है बटर पेपर और ये जो मिक्सचर है हम इसमें डाल देंगे ट्रे में और अब इसको हम अच्छे से पूरे में फैला देंगे। अब थोड़ा सा इसको प्रेस भी कर दें, थोड़ा सा दबा कर इसको जमाएं। तो ये जम गई है हमारी तिलकुटा बर्फी। जी हाँ, बहुत ही शानदार बनती है और बनने में भी काफी इजी है, कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। इसको हम अच्छे से कर देंगे प्रेस और अब इसको हम रख देंगे 15 से 20 मिनट तक ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो ये लीजिए 15 से 20 मिनट हो गए हैं हमने इसको जमाए हुए और अब इसके हम कर देंगे पीसेस। तो आप इस तरह से इसमें निशान लगा दें। तो ये देखिए कितनी आसानी से बहुत ही सॉफ्ट सी हमारी बर्फी यानी कि तिलकुटा बनके रेडी हुआ है। तो ये मैं इसमें निशान लगा देती हूँ, इधर से भी लगा देंगे। ये लीजिए हमने निशान लगा लिए हैं। तो अब इस बर्फी को हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में थाली में। तो हमने नीचे इसमें लगाया था बटर पेपर, तो उस वजह से ये जो बर्फी है बिल्कुल इजीली निकल जाएगी। तो इस तरह से आप पेपर को उठा लें। तो ये लीजिए हमने बर्फी को निकाल लिया है और अब इस पर हम रख देंगे सब पर एक एक काजू। तो काजू रखने से ये और भी अच्छी लगेगी। तो इस तरह से हम सब पर एक एक पीस रख देंगे और ये तैयार हो गया है हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही खाने के अंदर सॉफ्ट तिलकुटा। तो अब हम लगाएंगे गणेश जी के भोग तिलकुटे का और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।